देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। खिलचीपुर तहसील के गणेशपुरा गांव में बनकर तैयार हुए डैम में पहली बारिश में ही पानी का रिसाव होने लगा है। खास बात यह है कि इस डैम से पानी रिसने की जानकारी 6 दिन पहले अधिकारियों को लग चुकी है, लेकिन इसके बाद भी इसके दुरुस्तीकरण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि गणेशपुरा और आसपास के गांवों में सिंचाई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए करीब 7.25 करोड़ रुपए की लागत से डैम का निर्माण किया गया है। इसी वर्ष डैम का निर्माण पूरा होने के बाद जैसे ही उसमें पानी को रोका गया तो डैम के पिछले हिस्से से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। डैम से पानी रिसने के बाद से लेकर अभी तक जल संसाधन विभाग द्वारा वैकल्पिक नहर बनाने से लेकर पानी को निकालने एवं जल वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए मशक्कत की जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि पूरा 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस दिशा में अभी तक जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि विभाग के अधिकारी इस बात को भी स्वीकार कर चुके हैं कि डैम में निर्माण में लापरवाही हुई है, लेकिन इसके बाद भी मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। शंकर लाल जी, ये डैम लीकेज हुआ है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है सर, कई नाम से माने सब अधिकारी आया यहाँ, ये लोग जो सभी की तो कोई ने माँ की कोई सुनवाई नहीं करी, और उनने अनसन मुरम मुरम डाले, सब मिट्टी कहीं भी नहीं डाली, और एक बाद में अभी जो ये नालो खोल रही नहीं, यूपी कई नाम से माँ की फसल मोर जा रही साहब, तो जैसी फसल है नहीं या फिर खराब होनी है या स्थिति है साहब। अच्छा, लीकेज ये कैसे हुआ, कब से हुआ लीकेज ये डैम? जो कल से हुई साहब। अच्छा, कब बना था ये डैम? योनी साल में बनी सर, और सारी जमीन डूब गई, मुआवजा भी मिली, और रात ही रात में बनायो सर। अच्छा अच्छा, पर्वत सिंह जी, क्या है पूरा मामला, ये डैम लीकेज हुआ है? सर, इस बांध में ये मामला है कि जो ठेकेदार था। कौन था ठेकेदार? ठेकेदार विजय वर्गी जी। कहाँ के? राजगढ़ के। हाँ, अच्छा हाँ। उसने क्या किया कि इधर तो काली मिट्टी पटक दी, हाँ। उधर मुरे मुरम डाल दी, दो रात में तालाब पूरा कर दिया, फिर ये बांध जो अगर फूटेगा तो हमारे कई नुकसान हो जाएगा। अच्छा, इसकी शिकायत की थी आपने? शिकायत की थी ना, फिर कई लोग शिकायत में ठेकेदार और कल संपर्क पैसा खड़े करके फिर कब बना था ये डैम? ये बेड़ी साल में, एक ही साल में बना। और कितने दिन में बन के तैयार हुआ था ये? सर, ये तो को नहीं मालूम, कितना दिन में बन गया, अपना अड़ी साल में बनियो। ठीक है, क्या है पूरा मामला? अब मामला तो ऐसा है कि मैंने बताया ना आपको कि 8-10 डैम बने हैं, बकाया कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ कमी रह गई, मतलब दबाने एक ये यहाँ के जो गांव वाले हैं, किसान हैं, उनका कहना है कि एक रात में जिस जगह से लीकेज हुआ है, अच्छा, वो जगह, मतलब वो वाला पोर्शन इसका डैम का, एक ही रात में बन के तैयार हुआ है। हाँ, तो रात में अब चूंकि हम लोग नहीं रहे उसमें रात में, हाँ, तो मैं तो अब चूंकि अब, हाँ, हो सकता है कि इनने मिट्टी डाल दी हो ज़्यादा, मतलब चूंकि इनके दम पर चलते रहे ठेकेदार के, तो उसमें ये गलती हो सकती है। और दूसरा, इन किसानों का कहना है कि इनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा। मुआवजा अभी SDM साहब आए थे और तहसीलदार साहब, सब लोग हैं, 2-3 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। सर, ऐसा कोई डैम तो लीकेज है, पानी तो निकल रहा है उसमें से, ऐसा कुछ? हम इसको खाली करके बिल्कुल हालात में पूरा भी कम्प्लीट इनकम्प्लीट है, अभी कम्प्लीट नहीं है डैम। जी जी जी, हम इसको दोबारा तरीके से खाली हो जाएगा, हम फिर से इसको कम्प्लीट करेंगे, जहाँ जो कमी होगी पूरा करेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।